धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की, हर हर महादेव। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिबा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरा शुचि पुण्डरीकाक्ष पुनाद गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गन्धद्वारां गुरादर्शां नित्यवर्णां करिष्णीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामहोपहवे स्त्रियमहिर्यो वैपरीति वाहुञ्जायाहेतिम् परिवादमानास्तवनो विश्वा वैदान विद्वान् पुमान् पुमागु संपरिपादु विश्वताः। नैवेद्यं निवेदयामि दीपं प्रदर्शयामि साज्यं जावद्ययुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाणदेवे श्रोत्रलोक्तिमिरापहं यदगुमवे प्रजननं मे अस्तु दस वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थ आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक सन्न वय शनि अग्नि प्रजा बहुला मे करो त्वन्नं पयोरे तो वशमा सुदत्तो। धर्म सम्राट ब्रह्मलीन द्वैपीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के परम पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज के वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव। श्रीमद्भागवत स्वरूपिणे श्री कृष्णाय नमः। ध्यायामि आसनार्थे क्षतान् समर्पयामि, इमान गंधाद्युपचारान् समर्पयामि, माल्यादीन सुगंधीन मालत्यादीन वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां समर्पयामि। भगवान की जय। धर्म की हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण हो, हत्या बंद हो, माता की जय हो, धर्म की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। साष्टांग दंडवत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता है कि मैं आज इस आश्रम में अपने आप को पहुंचा पाया हूं। ऐसे तो मैं बचपन से काशी में आपके सानिध्य में बना रहा और जब भी आप अयोध्या गए मैं हमेशा जो कुछ हो सका एक सेवक दास की तरह उपस्थित रहा हूं, लेकिन यह पहला सौभाग्य है कि मैं यहां आपको सुनने के लिए और आपके जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर अपने आप को पहुंच पाया हूं। मैं आपके चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूं। गुरुदेव भगवान की जय। धर्म सम्राट सदगुरु देव भगवान के श्री चरणों में सादर नमन वंदन अभिनंदन। इस धर्म समा पर उपस्थित सभी दिव्य जनों को सादर नमन। इस अवसर पर और इस विद्वत जनों के बीच में मुझे बोलने का अवसर दिया वो भगवान के श्री चरणों का प्रसाद ही है। इस अवसर पर मैं क्या बोलूं, हमें सिर्फ इतना करना चाहिए कि निस्वार्थ भाव से सीधे साधे सच्चे समर्पण भाव से और हमें अनुशासित होकर सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करना चाहिए। हमारा स्थान सद्गुरुदेव के श्री चरणों में ही सुशोभित होता है और हमारे गुरुदेव इस लोक में और परलोक्ष में सहज ही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे सद्गुरु को पाकर हम सब धन्य हैं और ये निस्संदेह हमारे अनंत जन्मों का पुण्य फल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनों विराम देता हूँ। धन्यवाद। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गो विप्रधर्म साधूनां रक्षणाय सदोद्यतम् शरण्यं सर्वदं वन्दे
श्रीमद्वार्वतीश्वरं नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रमालिनेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सर्वप्रथम पूज्यपाद गुरुदेव जी के चरणों में सादर नमन, सिंहासनासीन आचार्य श्री के श्री चरणों में सादर प्रणाम, शास्त्री द्वय जी के चरणों में शास्त्र सादर प्रणाम, उपस्थित मंचस्थ सभी विद्वानों को सादर अभिवादन। हमारा परम सौभाग्य है कि हम पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी ज्योतिष पीठाधीश्वर जी महाराज के मुखारविंद से भागवतामृत का पान कर रहे कथामृत, जिस कथामृत को के लिए देवता भी याचना करते थे। हमने सुना कल महाराज श्री सुना रहे थे, देवता लोग लेकर के अमृत कलश लाए लेकिन उन्हें भी कथा श्रवण नहीं कराई गई। वह कथामृत हमें सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी हमारे कलाकार गीत गा रहे थे, मैंने सुना उसमें बड़ा अच्छा, पार्वती जी ने कहा कि हमें आपने राम कथा नहीं सुनाई। अब सो गई तो कहाँ से सुनती, तो वह राम कथा भी जो है हमें सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अभी हमारे घनश्याम भाई सुना रहे थे पूज्यपाद महाराज श्री के लिए अनारा के लाल को, हम तो कहते हैं अनारा के लाल को नैनों में बसा ले, थोड़ा सा उन्होंने परिवर्तन किया था, हमने थोड़ा सा और परिवर्तन कर दिया। तो आज पूज्यपाद महाराज श्री के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर हम सभी आप श्री के चरणों में अभिवादन वंदन करते हैं। आप दीर्घायु हों और इसी प्रकार से हम सभी को आशीर्वाद आपका प्राप्त होता रहे, और आज बहुत आवश्यकता है आप जैसे संतों की। हम तो आप में वो सारी विशेषताएं हम देख रहे हैं जो आज के युग में आवश्यक है। पहले जो स्थिति थी वो स्थिति आज से सरल थी, आज बड़ी भयंकर स्थिति हमारे धर्म के सामने उपस्थित है। उसका जवाब आपके द्वारा हम देखते रहते हैं। जो जितनी भी समस्याएं आती, जितने प्रश्न आते हैं, आप सब लोगों का मुख बंद कर देते हैं, तब की दीवान बंद हो जाती है आपके सामने। तो ऐसे आपको पा करके हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा जो हम सुन रहे हैं, हमने संतों के मुंह से सुना है कि कथा अमृत को कानों के माध्यम से कनर कर्ण कुहरों से सुनिए और उसको हृदय में स्थापित करें। तो ये कथामृत भगवान का ही स्वरूप है, जैसा कि अभी हमने कथा के प्रसंगों में सुना कि भगवान जब इस धाम से परलोक को जाने लगे तो उन्होंने यह श्रीमद् भागवत के स्वरूप के रूप में अपना स्वरूप स्थापित कर दिया कि अब मैं जो यह ग्रंथ के रूप में हूँ, यही मेरा स्वरूप है। ये भगवान का ही, श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप जिसे हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, वह हमें श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। कथा के संबंध में मुझे एक प्रसंग याद आया। श्री रामचरितमानस में भगवान वन में जब जा रहे थे तो वाल्मीकि जी के आश्रम पे पहुंचे और वहां उनका बड़ा स्वागत सत्कार वाल्मीकि जी ने किया। तो अंत में भगवान ने कहा कि जिनके कारण साधु संन्यासी महात्माओं को कष्ट होता हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, यदि मैं आपके आश्रम में रहूंगा तो आप हमारी ऐसी सेवा करते रहेंगे। अब आप मुझे बताओ, कोई ऐसा स्थान बताओ जहां जाकर के मैं निवास कर, क्योंकि आपके आश्रम में रह करके आपकी तपस्या में विघ्न बाधा करना उचित नहीं है। तो वाल्मीकि जी ने कहा
पूछो मोहि की रहो कहां, मैं पूछत सक चाओ, जहां ना हो तहां देहूं कहीं, तुम्हें दिखावाऊ उठाओ। अरे पहले तो आप ये बताइए कि आप कहां नहीं हो, जहां नहीं हो वो जगह बताऊं आपको। आप तो कण कण में विद्यमान हो और आप मुझसे पूछ रहे हो कि कहां रहूं, तो भगवान समझ गए कि ये हमारे भगवत स्वरूप को बताने लगेंगे तो हमारी लीलाएं अधूरी रह जाएंगी। तो हमने सुना है महात्माओं के मुखारविंद से कि जब जब ऐसा प्रसंग आया है तो भगवान हंस करके जवाब देते हैं। भगवान की जो मोहिनी माया है उसका हास, उससे सामने वाला आदमी मोहित हो जाता है। तो भगवान ने भी हंस करके जवाब दिया उनका, अरे आप वो तो सब ठीक है, जहां ना हो मैं वहां रहता हूँ, लेकिन मुझे संसार में रहना है तो संसार में के मनुष्य जहां रह सकते हो ऐसा स्थान बताओ। तो उन्होंने जो जो स्थान बताए हैं रामचरितमानस आप पढ़ते होंगे, बहुत सुंदर प्रसंग है, हम वहां उतने लंबे में नहीं जाएंगे, हम तो केवल कथा वाली बात करेंगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, हो ही निरंतर भर ही न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। प्रभु भगवान की कथा जिनके कानों में जाती हो और वे कर्ण आपकी कथा सुन करके तृप्त न होते हो। ऐसा नहीं एक बार कथा सुन ली, एक बार हमने भागवत सुन ली तो दोबारा नहीं सुनना है, बार बार सुन। इसलिए कहते हैं कि राम कथा जिन सुनई अघाही, और रस विशेष तिन जाना नहीं। जो कहते हैं कि हमने राम कथा सुन ली है अब सुनने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने उस कथा के रस को तो जाना ही नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में जहां पर इस कथा की बात कही गई है उसमें इसको आम के फल को बताया। आम के फल को खाने का सिस्टम आप जानते हैं कि उसको बार बार मुंह में डाला जाता है, मतलब एक बार में तृप्ति नहीं होती है, बार बार उसका रसास्वादन करते हैं। उसी प्रकार से यह कथा अमृत है, इसका बार बार पान करना है। एक बार सुन करके नहीं कहना कि हमने सुन ली है दोबारा क्या सुने, वही कृष्ण कथा, वही बाल लीला, वही माखन चोरी की लीला, तो ऐसा नहीं है। तो यह हमारी इस श्रीमद् भागवत कथा की महिमा है। और अभी पूज्यपाद जी आपको और सुनाएंगे, गोपियों ने कहा तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ते भूरिदा जनाः। आपकी कथा क्या है, अमृत है, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, और दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप से जो पीड़ित प्राणी है संसार में उसको शीतलता आनंद प्रदान करने वाली ऐसी यह कथा है। अभी हमारे पूज्यपाद महाराज श्री सवेरे गीता प्रवचन में सुना रहे थे तो मुझे याद आया कि प्रत्येक इंद्रियों से जो है भगवान की सेवा होनी चाहिए, और वह सेवा हमें दिखाई देती है गोपियों में। गोपी शब्द का अर्थ बताते हैं विद्वान लोग, गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पीबती या सा गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से नेत्रों से उनका दर्शन करती हैं, हाथों से उनकी सेवा करना चाहती हैं, कान से उनकी कथा उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहती हैं। और इसी गीत गोपी गीत के अंदर आगे उन्होंने अपनी वेदना प्रकट करते हुए यहाँ तक कह दिया भगवान कृष्ण से कि प्रभो जब आप गौचारण करके वापस ब्रज में लौटते हैं आप, तो हम आपका दर्शन करने के लिए ऐसे व्याकुल होती हैं कि आपको देखते समय पर पलक झपकने में जो हमारी पलक बंद होती है तो उस समय तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने सब कुछ तो बनाया, बढ़िया सुंदर मनुष्य शरीर बनाया, इसमें बड़ी बुद्धि दी, इसकी बड़ी लीला गाई गई है इस मनुष्य शरीर की, लेकिन नेत्र बना करके उसमें पलक लगा दिया। जितनी देर पलक बंद करने में
समय लगता है उतने समय में आपका जो हम दर्शन नहीं कर पाती वो हमसे वियोग सहन नहीं होता है। जड़ उदीक्षताम, ब्रह्मा जड़ है, बुद्धिमानी से शरीर की रचना करती, पलक लगाने की क्या जरूरत थी, पलक के बिना काम क्यों सकता था। ऐसी आतुरता, ऐसा वियोग, तो गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती या सा गोपी। तो ये केवल स्त्रियों गोपियों के लिए नहीं कहा गया है, हम सभी गोपी भाव से हम भगवान का भजन कर सकते हैं। प्रत्येक इंद्रियों से भगवान की सेवा हो तो यह जो भाव है हमको श्रीमद् भागवत की अनेक विविध अलग प्रकार कई कथाओं के माध्यम से श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। हम आगे भी पूज्यपाद महाराज श्री के मुखारविंद से इसी प्रकार की मधुर कथाओं का श्रवण करेंगे। अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। एक बार पूज्यपाद महाराज श्री के चरणों में पुनः एक बार नमन। उपाध्याय जी से हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत की महिमा का श्रवण किया। अब हमारे बीच में ब्रह्मचारी श्री ब्रह्म विद्यानंद जी हैं, उनको हम श्रवण करेंगे। ओम यत्र सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यम परं धाम जगद्धाम नमामि तत् श्रुतिस्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। मंच पर विराजमान अनंत श्री विभूषित उत्तराम नाय ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय के आचार्य द्वय, काशी से पधारे हुए विद्वान वैदिक दातार जी भाई, हमारे आदरणीय सनत कुमार उपाध्याय जी और पूज्यपाद जगतगुरु जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष में देश में जगह जगह से आए हुए हमारे गुरु भाई श्रद्धालु जन, देवियों सज्जनों, भारत में त्याग का सदा से बहुत सम्मान रहा है, गुरुओं का सम्मान रहा है। इस देश ने ज्ञान को सर्वोच्च सत्ता सर्वदा से माना है। नास्तिको वेद निंदकः ये कहकर नास्तिक की परिभाषा की, ईश्वर विरोधी को नास्तिक नहीं कहा है, वेद विरोधी को नास्तिक कहा है। वेद का मतलब ज्ञान, विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द बनता है। तो ज्ञान और गुरु, इनका अन्योन्याश्रय, गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम लोग निस्संक होकर यह कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है, गुरुओं की संस्कृति है। इस कलयुग में आदि शंकराचार्य जी ने हमें चार गुरु पीठ प्रदान किए हैं। ये ऐसा अमूल्य उपहार हम सनातन धर्मियों को उन सर्वज्ञ आदि गुरु ने प्रदान किया है कि उनके दिव्य संकल्प से ये चार गुरु पीठ अविच्छिन्न रूप से इस महान कलिकाल में भी हमें प्राप्त हैं। विचार मयोयम पुरुषः, यह पुरुष जो है अंततः विचार स्वरूप ही होता है, श्रद्धामय होता है। तो आदि शंकराचार्य जी के जो विचार हैं, जो उनकी निष्ठा है, वह निष्ठा स्वरूप भले बदलते जाते हैं लेकिन उस विचार की एक रूपता और जो उनके सिद्धांत हैं वे क्रमशः आगे अग्रेसित होते हुए हमें प्राप्त होते रहते हैं। ज्योतिष पीठ की परंपरा में
हमारे सद्गुरुदेव द्विपीठाधीश्वर पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने ज्योतिष पीठ का जिस तरह से उद्धार किया और उत्तर भारत में जो कि विगत 165 वर्षों से जो ज्योतिष पीठ अवरुद्ध था और सारे क्रियाकलाप उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति में थे, तो ऐसे ज्योतिष पीठ को हमारे सद्गुरुदेव ने पुनः प्रतिष्ठापित किया और देश की जनता को यह बताया कि जगत गुरु क्या होते हैं, शंकराचार्य क्या होते हैं। आज उन्हीं सद्गुरुदेव के उत्कृष्ट शिष्य हमें उनके स्थान पर ज्योतिष पीठ पर प्राप्त हैं। पूज्य महाराजा श्री ने बहुत पहले से ही यह संकेत हम लोगों को और समाज में और भी थे लोग उनको देना शुरू कर दिया था। एक बार महाराज जी धर्मसंघ में रुके थे, हम लोग पूज्य महाराज श्री की सेवा में थे, वाराणसी में अध्ययन करते थे और पूज्यपाद जगत गुरु जी महाराज भी उस समय धर्मसंघ में थे। महाराज जी सुबह प्रातः भ्रमण में निकले तो अपनी दोनों घुटनों में सिर रखकर, चूंकि रात्रि में बहुत देर से सोए थे तो जगत गुरु जी बैठे हुए थे, तो महाराज जी ने कहा उठो योगी राज। तो हम लोगों को रोमांच हो गया, महाराज जी योगी राज कह रहे हैं और ये बहुत ही, हम लोग वाराणसी गए थे तो उसी समय की घटना है। तो पूज्य महाराजा श्री ने अपना ज्ञान विज्ञान और जिस तरह महाराज जी विभिन्न अभियानों को सफलता प्रदान करते थे, तो उस सफलता के जो जो नीतियां होती थी उन सब में हमारे जगत गुरु जी को महाराज जी ने पारंगत किया और पूरी तरह सुयोग्य बनाकर फिर उन्होंने उचित समय पर अपना जो दायित्व है वो आपके कंधे पर रखा। तो ये कंधे कमजोर नहीं है, ये वही बलिष्ठ कंधे हैं जिनको गुरु ने ताकत प्रदान की है। तो हम सब आज आप देखिए आध्यात्मिक आकाश में, भारत के आध्यात्मिक आकाश में ज्ञान कर्म उपासना तीनों से संयुक्त कोई तेजस्वी साधु या महात्मा हमें दिखते हैं तो इन्हीं पीठों में दिखते हैं। और सभी अपने अपने स्थान पर ठीक है, धर्म के कार्य में लगे हैं, लेकिन जो आचार्यों की गरिमा है, आचार्यों का गौरव है, उसकी पूरी तरह से रक्षा इन पीठों से हम लोग होती हुई देख रहे हैं। और यही भारतीय संस्कृति जो कि आज तक नष्ट नहीं हुई, इतने बड़े बड़े आघात इस संस्कृति पर हुए, लेकिन अगर ये संस्कृति सुरक्षित है तो इन्हीं निष्ठाओं के कारण, इसी दिव्य नेतृत्व के कारण और इन्हीं योग्यताओं के कारण आज तक भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी। जिस तरह से पूज्यपाद जगत गुरु जी महाराज संस्कृत विद्या और पूज्य महाराजा श्री के अधूरे कार्यों को जिस तरह से पूर्णता प्रदान कर रहे हैं, तो यह निश्चित ही उनके ऊपर पूरी गुरु कृपा है और इस गुरु कृपा को हम उन्हीं के माध्यम से अब आगे प्राप्त कर पाएंगे। इसी भाव से अपने श्रद्धा सुमन आज जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर पूज्यपाद जगत गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। अभी हम सभी लोगों ने ब्रह्मचारी जी को श्रवण किया, अब हमारे बीच में ज्योतिष पीठ शास्त्री आचार्य श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्विवेदी जी विराजमान हैं, हम सभी लोग उनको श्रवण करेंगे। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय
भक्त जन्मानस निवासाय रामचंद्राय तद्दिव्यमव्ययम् धाम सारस्वतमुपासमहे यत् प्रसादात् प्लीयन्ते मोहान्तं स्वच्छता। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गुणेभ्यः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या धर्म सम्राट ब्रह्मलीन द्वय पीठाधीश्वर महाराज की ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जगदम्बा महारानी की बद्री विशाल भगवान की द्वारकाधीश भगवान की चंद्रमौलीश्वर भगवान की ज्योतिरीश्वर भगवान की परमहंसी गंगा क्षेत्र की वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की सनातन धर्म की हर हर महादेव। परम पूज्य जगत गुरु जी महाराज नंदी स्वामी जी ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्यानंद जी हमारे आदरणीय पीठ पंडित भैया जी वाराणसी से पधारे परम वैदिक आदरणीय दातार जी यजमान बंधुओं बहन पूर्णाम्बा जी समस्त धर्मानुरागी सज्जनों माताओं बड़ा विचित्र संयोग है। धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज की भी कल ही जयंती है और कल ही हमारे जगत गुरु जी महाराज का वर्धापन महोत्सव हम सब लोग मनाएंगे। परम पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज का आविर्भाव जिस जिले में हुआ था प्रतापगढ़ में वही प्रतापगढ़ जिले में हमारे महाराज श्री का भी आविर्भाव हुआ। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्र जी महाराज विक्रम संवत 1964 सन 1907 ईस्वी में श्रावण शुक्ल द्वितीया रविवार को सरयू पारेण ओझा परिवार में उनका आविर्भाव हुआ। उनके पिता श्री रामनिधि जी ओझा उनकी माता का शिवरानी नाम था। प्रतापगढ़ जिले के भटनी में महाराज श्री का आविर्भाव हुआ। बाल काल से ही उनमें तीव्र वैराग्य था। माता पिता ने हठात उनका विवाह कर दिया किंतु उनका मन गृहस्थी में न लगा और वैराग्य की ओर उन्मुख हो गए। उन्होंने उनका बालपन का नाम
हरि नारायण था, खोजते हुए स्वामी ब्रह्मानंद जी उनको मिले और उनसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा लेकर के हरिहर चैतन्य उनका नाम हुआ। उसके बाद में अपने गुरु की आज्ञा से उन्होंने नरवर जो बुलंद शहर में है जीवन दत्त जी महाराज से शिक्षा ग्रहण की। 1926 में वो नरवर में थे। उसके बाद स्वामी विश्वेश्वराश्रम जी महाराज से व्याकरण न्याय दर्शन एवं भागवत का उन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद 1931 में अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज से उनने दंड संन्यास की दीक्षा ली। 1940 में उन्होंने धर्म संघ की स्थापना की। उसके बाद दैनिक सन्मार्ग वाराणसी कलकत्ता और दिल्ली से प्रकाशित कराया। 1950 में रामराज परिषद की उन्होंने स्थापना की, जिसका प्रथम अध्यक्ष उस समय हमारे गुरुदेव भगवान ज्योतिष पीठाधीश्वर थे, उनको रामराज परिषद का प्रथम अध्यक्ष बनाया। 1931-32 में हरिद्वार का कुंभ पड़ा, वहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी का बहुत बड़ा शिविर लगा और उन्होंने शास्त्रार्थ का चैलेंज दिया, अंतजों को हरिजनों को प्रणव सहित मंत्र की दीक्षा दे करके, और वे शास्त्रार्थ के लिए उद्घोषणा कर रहे थे। वहाँ धर्म सम्राट स्वामी कृपात्रेय जी महाराज पधारे और मालवीय जी का उन्होंने विरोध किया। सनातन धर्म की साज सम्मत बात अपने मालवीय जी ने रखी। मालवीय जी से जब धर्म सम्राट स्वामी कृपात्रेय जी का शास्त्रार्थ हुआ और मालवीय जी को पराजित होना पड़ा, उस समय से उनकी ज्यादा ख्याति थी। शास्त्रार्थ महारथी माधवाचार्य जी महाराज जी के अभिन्न अंग थे, किंतु उन्होंने अपने पुत्र प्रेमाचार्य जी को विदेश भेज दिया। माधवाचार्य जी का पत्र निकलता था लोकालोक और धर्म संघ का कृपात्रेय जी महाराज का पत्र निकलता था सिद्धांत संस्कृत में। उस समय पत्राचार से शास्त्रार्थ हुआ और कृपात्रेय जी महाराज का माधवाचार्य जी से विरोध हुआ। उसके बाद उन्होंने समन्वय नहीं किया। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भी ब्रह्मानंद जी महाराज के शिष्य थे, किंतु उन्होंने दंड त्याग दिया था, इसलिए स्वामी अखंडानंद जी से महाराज जी का विरोध हो गया। बंधुओं, एक बार धर्म सम्राट परम पूज्यपाद स्वामी जी कृपात्रेय जी महाराज को वैद्यों ने बताया कि हम कायाकल्प के संबंध में उन्होंने जानकारी दी। अनेक वैद्यों को बुला करके उन्होंने कायाकल्प के संबंध में जानकारी दी और परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को बुला करके कहा कि हम कायाकल्प करना चाहते हैं। ज्योतिषमती का कायाकल्प धर्म सम्राट स्वामी जी ने काशी में मीर घाट पर नए विश्वनाथ मंदिर में त्रिगर्भा कुटी बनी। महाराज जी ने बालाघाट के बैहर से ज्योतिषमती इकट्ठी करके एकत्रित करके उसको संशोधित करके और परम पूज्यपाद स्वामी जी मां कृपात्रेय जी महाराज को कायाकल्प कराया। उस समय कुछ वैद्य आ गए, कहने लगे कुछ अनहोनी न घट जाए, इसलिए बीच में ही वह कायाकल्प पूर्ण नहीं हो पाया।
नए विश्वनाथ मंदिर की स्थापना धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज ने पुराने विश्वनाथ में हरिजन प्रवेश हो गया था, जिसका विरोध कर्पात्री जी महाराज करते रहे, किंतु उस समय लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने मीर घाट पर नए विश्वनाथ मंदिर की स्थापना कराई। एक सज्जन हमको भेड़ा घाट में मिले थे, इस समय तो बेचारे दिवंगत हो गए, उन्होंने बताया कर्पात्री जी महाराज स्वयं भेड़ा घाट आए और उस कुंड से जहाँ से नर्मदेश्वर निकलते हैं वहां से शिवलिंग निकाल करके ले जा करके काशी में उन्होंने प्रतिष्ठित करवाया। 7 नवंबर 1966 में दिल्ली में विशाल गोरक्षा अभियान महाभियान समिति के द्वारा विशाल रैली हुई। उस रैली का नेतृत्व परम पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज ने किया, जिस रैली में पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निरंजन देव जी महाराज और ज्योतिष पीठाधीश्वर हमारे गुरुदेव भगवान थे। कई हजार लोग गोरक्षा की बात लेकर के दिल्ली में उस रैली में सम्मिलित हुए और वहां पर प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक संतों के ऊपर आंसू के छोड़े लाठी चार्ज करवाया। परम पूज्यपाद स्वामी कर्पात्री जी महाराज 2:30 बजे रात को उठ जाते थे, भ्रमण के लिए जाते थे और 3.5 घंटे शीर्षासन से दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करते थे। बंधुओं, परम पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी का एक युग था, तीर्थराज प्रयाग में या हरिद्वार में जब कुंभ लगता था पूरे कुंभ में यह चर्चा फैल जाती थी कि धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज आ गए। संयोग की बात थी, विक्रम संवत 2038 7 फरवरी 1982 में उनका महाप्रयाण हुआ। महाप्रयाण के समय उन्होंने अपने हृदय पर शालिग्राम रखवाए, गंगा जल पहले से रखवा लिया था, तुलसी दल वहां से रखवा लिया था। उसके पूर्व गुरुजी उनसे मिलने गए थे केदार घाट कर्पात्री धाम में, संयोग से हम साथ में थे, तो महाराज जी से कहने लगे कि लोग हमको कथा नहीं सुनने देते। तो महाराज जी ने गुरुजी का हाथ पकड़ के कहा कि आप बताइए। तो महाराज जी ने कहा कि आपकी तो कथा ही औषधि है। कहा उन्होंने हाथ पकड़ के कहा, भैया तुम हमारी बात जान गए। गुरुजी से उन्होंने बताया कि हमको ऐसा लगता है कि हमारा सखी भाव हो गया है और हमारे समय में हमारे ब्रह्मचारियों ने महापुरुषों का अनादर किया, इसलिए हमारे यहाँ जो भी आते हैं का प्रभुदत्त ब्रह्मचारी आए और जितने विद्वान लोग आए संत महात्मा आए हम सबको आसन दिलवाते हैं। कहा ऐसे वे धर्म सम्राट परम पूज्यपाद स्वामी कर्पात्री जी महाराज थे, जिन्होंने अनेक ग्रंथ हमारे सनातन धर्म को दे करके संघर्ष और शांति, वेद प्रमाण मीमांसा और भक्ति सुधा उनके प्रमुख ग्रंथ थे। उसके बाद श्री विद्या रत्नाकर, विचार पीयूष, वेदार्थ पारिजात, रामराज और मार्क्सवाद और रामायण मीमांसा भागवत सुधा जैसे 61 ग्रंथ स्वामी कर्पात्री जी महाराज के उन्होंने अपने समय में प्रणयन किए और हमारे सनातन धर्म की। उस समय आचार्य रजनीश ने एक ग्रंथ लिखा था संभोग से समाधि, उसका खंडन कर्पात्री जी महाराज ने किया और जो भी संस्था जो भी व्यक्ति सनातन धर्म के विपरीत जाता था उसको कदापि वो सहन नहीं करते थे। हम तो सोचते हैं धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी का ही से हमारे जगत गुरु जी महाराज में
सनातन धर्म के विपरीत, शास्त्र के विपरीत कोई भी कोई बात बोलता है, उसके यदि कोई जवाब देने वाला है तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हैं। बंधुओं, हम एक बात बता देना चाहते हैं। मंदिर बचाओ आंदोलन की एक सभा काशी में हो रही थी, वहां पर धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज की अनन्य से बटक प्रसाद शास्त्री आए, तो उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज के पद चिन्हों पर जगत गुरु जी महाराज चले, गुरु जी कहा, और उन्हीं का अनुसरण स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कर रहे हैं। बंधुओं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए देखो, इन महान विभूतियों का विद्वान तो सब बनना चाहते हैं, चांदी के सिंहासन पर सब बैठना चाहते हैं, छत पर चंवर चले जी सब चाहते हैं, मगर सब नहीं बन सकते। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, वो भगवान की महापुरुषों की कृपा होती है, वही भगवान शंकराचार्य शंकराचार्य को सुधन्वा ने अपने राज्य चिन्ह अपने अर्पित किए, तो उन्होंने कहा मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, छत चंवर मेरे साथ नहीं लगेगी, मेरे पीठ के जो उत्तराधिकारी होंगे उनको जी राज सिंहासन सुशोभित करेंगे। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। ज्योतिष पीठ पंडित आचार्य श्री विराजमान है, हम सब लोग उनको श्रवण करेंगे। रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम मतर्क्यं त्रिपुरम महा नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितांतः करणाः अलगनंदा तीरवासिनः भागीरथी गंगाया संप्रापित प्रदूषण निवारण तत्पराः श्री केदारनाथ बद्रीनाथ समाराधन मानसाः पूर्णाम्बोपासकाः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ति तरा।